वो सिर्फ कस्टमर्स को लुभाने के लिए एक सॉन्ग का प्रयोग कर रहा था, एक सॉन्ग गाता रहता था ताकि कस्टमर्स उसके पास आए और वो उससे वो मूंगफलियां खरीद सके जिसका नाम पड़ा कच्चा बादाम। खैर मकदम है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं सोशल मीडिया कब किसको स्टार बना दे, किसी को कुछ नहीं पता। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों बात कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। दोस्तों पिछले कई दिनों से मुझे लोग बोल रहे हैं कि आपने एक वीडियो नहीं बनाया, आपने एक शख्स पे वीडियो नहीं बनाया, आपने एक सॉन्ग पे नहीं वीडियो बनाया। वो कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। कच्चा बादाम आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा, ये कच्चा बादाम वाला कौन है और ये सॉन्ग इसका मतलब क्या है और ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों कर रहा है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग कह रहे थे कि आप इस पे एक वीडियो बनाएं, तो मैंने भी सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के दूरदराज इलाकों से, दूरदराज एक गांव से, जहां पर एक शख्स रहता था आपके और मेरी तरह गरीब शख्स, जिसका नाम था भुवन बोडियाकर। ये वेस्ट बंगाल का एक रहने वाला शख्स था जिसने जो गाँव देहातों में जाकर मूंगफलियां बेचता था, पीनट्स जिनको हम कहते हैं, वो बेचता था ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। दोस्तों वो गाँव देहातों में, उसके पास कोई मार्केटिंग वाली डिग्री नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ कस्टमर्स को लुभाने के लिए एक सॉन्ग का प्रयोग कर रहा था, एक सॉन्ग गाता रहता था ताकि कस्टमर्स उसके पास आए और वो उससे वो मूंगफलियां खरीद सके, जिसका नाम पड़ा कच्चा बादाम। अब ये कच्चा बादाम मार्केट में कैसे आ गया? दोस्तों वो गाता रहता था और एक दिन किसी ने मोबाइल से वीडियो शूट कर लिया उसको गाते हुए, या कस्टमर्स को बुलाते हुए उसका वीडियो ले लिया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया किसी शख्स ने। एक महीने तक जब ये वायरल हो गया तो जो भुवन बोडियाकर है उसने फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की कि यार मेरा वीडियो किसी ने लिया है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो बाद में जब पुलिस को पता चला कि यार किसी ने सच में इसका वीडियो लिया है, तो FIR भी दर्ज हो गई। तो फिर क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे कुछ एक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने उसको रीमेक बना दिया, उसको वायरल करना दोबारा से शुरू कर दिया, जिसके बाद जो कहिए जिसमें हमने एक एयर होस्टेस देखी और जो फॉरेन के कुछ वीडियो क्रिएटर्स थे उन्होंने उस पर रील्स बनाई और ये पूरे इंडिया में फैल गया और कच्चा बादाम नाम से ये मशहूर हो गया। अब आप बोलोगे अभी इस शख्स का क्या क्या स्टेटस है, अभी ये क्या कर रहा है, अब उसको क्रेडिट मिला नहीं मिला? दोस्तों बिल्कुल क्रेडिट मिला। अभी तक इसने, इस शख्स ने, भुवन बोडियाकर ने लगभग 2 सॉन्ग्स रिलीज कर लिए हैं यूट्यूब पे और अभी तक उनको करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं, जिसके बाद ही ये सॉन्ग जो है पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे जो बाकी कंट्रीज हैं उन तक भी पहुंच गया और लोग जो है इस पर रिएक्शंस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और उनको भी अच्छा खासा जो व्यूज हैं वो मिल रहे हैं। तो अभी उसको बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। अभी भुवन बोडियाकर का ये भी कहना है कि उसके पास अपना घर तक नहीं था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, उसके पास अपना घर नहीं था, उसके पास एक छोटी सी छोटा सा कच्चा वाला मकान था जिसमें वो रहता था और अब उसका ख्वाब था कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है अपना एक घर बना ले जिसके बाद वो उसमें रह सके, और ये उसका ख्वाब था और अब उसका ख्वाब जो है कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है और अब इसको क्रेडिट भी दिया जा रहा है और कहीं एक ऑफर्स उसको मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऑफर्स, उसने कल ही इंटरव्यू में बताया था कि मुझे अब बहुत सारे ऑफर्स आने लगे हैं और कई लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे साथ गाना गाइए, हम आपको उसका मुआवजा ज़रूर देंगे। तो ये कहानी थी कच्चा बादाम। अब इस सॉन्ग का मतलब क्या है? अब इस सॉन्ग का मतलब ये है कि दोस्तों कि आप मेरे पास जितना भी आपके घर में कवाड़ा पड़ा है, टूटे मोबाइल पड़े हैं, चेन पड़े हैं, जितना भी आपके घर में कवाड़ा पड़ा है आप वो मेरे पास लाइए, उसी वजन से मैं आपको यहाँ से पीनट्स दूंगा, यानी मैं आपको यहाँ से मूंगफलियाँ वापस दूंगा, आप मुझे कवाड़ा दो मैं आपको मूंगफलियाँ दूंगा। इस सॉन्ग का इतना ही मतलब था। ये पिछले कई दिनों से ट्रेंड कर रहा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये सॉन्ग अभी ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है और ट्रेंडिंग में ये कैसे आ गया और लोगों तक ये सॉन्ग कैसे पहुंच गया। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें हमारी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले आ जाया करेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, और लाइक शेयर दोस्तों के साथ मत भूलना।